नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर एक बार डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस मंच पर, जहां पर फीफा वर्ल्ड कप जो कतार में हो रहा है, इसका एक सारा एक लेखा जोखा लेकर हम आपकी तरफ आते हैं। मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त यश पाठक है। यश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये ग्रुप आज इसके मैचेस है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इसके बारे में बात करने के लिए। बिल्कुल, और हम बात करने वाले हैं आज एक पर्टिकुलर ग्रुप की। इन सारे ग्रुप्स में से आज हमें बात करनी है ग्रुप एफ की, जहां पर रेड डेविल्स, द रेड्स, एटलस लायंस और द चेकर्ड वंस, यानी कि बेल्जियम, कनाडा, मोरक्को और क्रोएशिया के बारे में हमें बात करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टीमें हैं। और इनके साथ क्या होगा इस ग्रुप से, ग्रुप एफ से कौन आगे जाएगा, इसमें आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनफैक्ट हमको बात करनी पड़ेगी अबाउट द रेड डेविल्स। इनफैक्ट बेल्जियम की जो टीम है वो यूएफा की ग्रुप ई से, इनफैक्ट दे वर द विनर ऑफ यूएफा, दैट्स व्हाई दे वर एबल टू मूव इन। और यश, उनका ओवरऑल जो उनकी जर्नी है इस वर्ल्ड कप के लिए काफी सिंपल रही है। सिंपल रही है क्योंकि उनको जो ग्रुप मिला था उस ग्रुप में भी ज्यादा उन्हें कुछ कंपटीशन पर से था नहीं, और उनकी जो टीम हमने देखेंगे आगे जाके उसमें बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। उनकी मिडफील्ड, उनकी अटैक लाइन बहुत अच्छी है, तो आई डोंट थिंक दे वर इवन इन अ स्लाइटेस्ट ऑफ बॉदर्स। इफ यू कैन सी देयर मैनेजर रॉबर्टो मार्टिनेस, ही वाज एन एवर्टन मैनेजर पहले, ईडन हैजार्ड जो मैड्रिड के लिए खेलते हैं, इंजरी प्रोन माने जाते हैं इन द यू नो बिल्कुल बिल्कुल। और क्या रोमेलू लुकाकू, जो उनके एक और बहुत ही सुपरस्टार खिलाड़ी है, इन पर कोई खबर है? क्योंकि अगर हम देखें तो गोलकीपर्स की बात करें तो इनके पास बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, टिबाउट तो कोर्तुआ और साइमन मिग्नोले, ये दोनों ही काफी अनुभवी है, तो इन दोनों में से किसको चूज करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। साइमन मिग्नोले आई डोंट थिंक ही वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस बिकॉज कोर्तुआ हैज प्लेड बेटर कॉम्पिटिटिव फुटबॉल। ही हैज बीन द फर्स्ट चॉइस फॉर रॉबर्टो मार्टिनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और अभी रियल मैड्रिड के लिए तो चैंपियंस लीग विनर रह चुके हैं, लालीगा विनर रह चुके, तो आई थिंक वो उनको एज आउट करेगा ओवर मिग्नोले। पर इनका डिफेंस देखेंगे तो थोड़ी सी कहते हैं ना जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस इनके डिफेंस में है, अदर देन जैन वर्टोंगेन एंड टोबी ऑल्डरवेरल्ड, उनके पास कोई ऐसा बड़ा डिफेंडर नहीं है। बट हाँ, आगे बढ़ते हुए इनकी मिडफील्ड और इनकी अटैक लाइन, आई मस्ट से दिस इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड कप, वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज केविन डे ब्रुइने वन ऑफ द बेस्ट पासर्स इन द वर्ल्ड, यूरी टिलेमंस लेस्टर के कैप्टन है अभी, यू गॉट थॉगन हैजार्ड जो करेक्ट प्लेयर है, चूंकि लास्ट टाइम पोर्चुगल के सामने यूरो में उन्होंने बहुत फैंटास्टिक गोल मारा था। ईडन हैजार्ड हम जानते ही है, ही इज अ लेजेंड, एंड आपने रोमेलु लुकाकू की बात की, ही इज गोइंग टू बी अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, आई थिंक ही इज इंजर्ड फॉर द फर्स्ट गेम, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड इसमें एक और एक नाम मैंने जस्ट पढ़ा, मैंने ध्यान नहीं दिया, लियांड्रो ट्रोसार्ड, ही प्लेस फॉर ब्राइटन, एंड वो एक सरप्राइज एडिशन रहे है इस वर्ल्ड कप, नॉट अ सरप्राइज एडिशन, मच डिजर्विंग वन, बट दिस विल बी अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर बिकॉज वो प्रीमियर लीग में तो हैवॉक क्रिएट कर चुके हैं इस साल। बिल्कुल, 22 साल के लुई ओपेंडा पर नजर होगी साथ ही में बेल्जियम के फॉरवर्ड लाइन में। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम एक और टीम के साथ जिनको द रेड्स कहा जाता है। सिर्फ दूसरी बार ही वो क्वालिफाई कर पाए हैं इस खेल के महा, फुटबॉल के महाकुंभ के लिए, और हम बात कर रहे हैं कनाडा की। यश भैया, इनफैक्ट दे हैव प्लेड अगेंस्ट मेक्सिको, यूएसए, कोस्टारिका इन द थर्ड राउंड ऑफ द कॉनकैफ, एंड दे टॉप द ग्रुप एंड क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप जस्ट फॉर द सेकंड टाइम इन देयर हिस्ट्री। Absolutely, that was miraculous, क्योंकि जिस तरह वो क्वालिफाई हुए, आई थिंक मैंने क्वालिफिकेशन की जर्नी देखी थी, ऐसा मुझे लग रहा था कि मतलब आई कुडंट इमेजिन व्हाट आई वाज सीइंग, एकदम ड्रीम रन हम कहते ना जो, आई थिंक बिल्कुल था, क्योंकि कनाडा नो वन एक्सपेक्टेड, एंड जैसा मैं कह रहा था आपको बिफोर द शो एज वेल कि बहुत सारे मेरे दोस्त है जो कनाडा को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां का वीजा लगना है जल्दी, तो गाइस कनाडा थोड़ी लाज रखना ये बोलकर सारे के सारे। जॉन हर्डमैन जैसे आपने उनका नाम काफी सुना रहेगा, कैनेडियन सर्किट, इवन इन द यूएस सर्किट ही इज बीन मैनेजिंग अ कपल ऑफ लोकल टीम्स, हचकिंसन जो उनके कैप्टन है, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी अल्फोंसो डेविस इन दिस टीम, बिकॉज अल्फोंसो डेविस जो है वो एज अ फॉरवर्ड गिने गए हैं इसमें, वी सीन हिम प्ले एट बायर्न म्यूनिक, वी नो द एक्सपीरियंस दैट ही पोजेसेस, हमने देखा है ओवर द ईयर्स, ही हैज प्लेड एज अ लेफ्ट बैक, हैज प्लेड एज अ लेफ्ट विंगर, एंड नाउ ही इज प्लेइंग एज अ फॉरवर्ड। हमने कुछ और प्लेयर्स के भी नाम लेंगे यहाँ पर, जैसे उनके गोलकीपर है 35 ईयर ओल्ड मिलान बोर्जान, मिलान बोर्जान जो है ही इज आई गेस ही कुड बी द फर्स्ट चॉइस फॉर बीइंग अ गोलकीपर, तो हम कह सकते हैं कि कनाडा की इस स्क्वाड में बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस है लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत ज्यादा है। अगर हम जूनियर हॉयलेट की बात करें,
हम उनके कैप्टन की बात करें हचिनसन की, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस वर्ल्ड कप में, हाउ ही टेक्स द टीम फॉरवर्ड। डेविड वॉदरस्पून भी एक उनके अच्छे प्लेयर है। सैमुअल पिएट, आपने उनकी बात की थी मैच के पहले हमसे कि ही इज ऑल्सो अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। बाकी इनकी डिफेंस लाइन जो है, आई थिंक देव कंसीडर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स। मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टैट्स पड़े जहां पर कह रहे हैं कि देव कंसीडर्ड ओवर 9 गोल्स इन द लास्ट 7 गेम्स। तो आई थिंक दैट इज अ वरीसम पॉइंट, एंड गिवन द फैक्ट दैट अल्फोंसो डेविस इज नॉट प्लेइंग एज अ डिफेंडर, इज प्लेइंग फॉरवर्ड, तो डिफेंस लाइन में एक्सपीरियंस या वो कहते हैं ना जो जो एक बड़े लेवल का प्लेयर जो होता है वो मिसिंग है इस कैनेडियन स्क्वाड में। तो दोस्तों ये तो बात थी कनाडा की, जो ऑफ कोर्स 2026 के वर्ल्ड कप के होस्ट है यूएसए और मेक्सिको के साथ में, और जिनके बारे में यश ने भी कहा कि उनके कप्तान जो है ही इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। बढ़ते हैं अगले टीम की तरफ जिनको एटलस लायंस के भी नाम से जाना जाता है। बड़ा एग्जॉटिक लोकेशन है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है ये, और इस देश का नाम है मोरक्को। 5-2 के एग्रीगेट स्कोर से उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को होम एंड अवे प्लेऑफ में हराकर इस तरीके से क्वालिफाई किया फॉर द सिक्स टाइम। मोरक्को रियली मतलब एक इट्स इंटरेस्टिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग तो नहीं लगता लेकिन अच्छी खासी टीम है यार। आई थिंक मोरक्को की बेस्ट बात यह है कि उन्हें किसी ने चांस ही नहीं दिया, तो एक तरह से they have, you know, outshone and outperformed themselves, their own expectations. So, एक तरह से आप देख सकते हैं क्योंकि कैप्टन है रोमेन साइस जो प्रीमियर लीग में खेलते, तो एक्सपीरियंस तो बहुत है इनके पास, 3-4 इनके पास बड़े खिलाड़ी है। वर्ल्ड रैंकिंग 23 है। आई वॉज सरप्राइज टू नो दिस क्योंकि मुझे लगा कि इतनी हाई रैंकिंग नहीं होगी मोरक्को की, क्योंकि आई नॉट हर्ड अ लॉट ऑफ मोरक्कन फुटबॉल इन द लास्ट ईयर। बट एज यू कैन सी दे हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप वंस, राउंड ऑफ 16 आपने मेंशन किया कि सिक्स टाइम उनका क्वालिफिकेशन है वर्ल्ड कप 86 में, वो राउंड ऑफ 16 तक पहुंच चुके थे, तो दे हैव गॉट दैट एक्सपीरियंस इन दिस ईयर स्क्वाड, सो लेट्स सी इफ दे कैन सरप्राइज अस। बिल्कुल, अगर स्क्वाड की अगर बात करें तो आपने कप्तान का तो नाम लिया ही है, वालिद रेगरा रुई इनके इनफैक्ट जो कोच हैं, साथ ही में गोलकीपर की बात करें तो यासीन बनाओ, ये काफी एक एक्सपीरियंस्ड है और इन पर सारे लोगों की नजर होगी। साथ ही में डिफेंस में अगर देखें तो काफी अच्छे नाम है, कप्तान ऑफकोर्स खुद रोमेन साइस इसमें है, और मिडफील्ड में भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर हम इलियास चेयर की बात करें या फिर सलीम अमाला की बात करें। बट यश, इस पूरे लिस्ट में जो फॉरवर्ड लाइन है इसमें यूसुफ एन नेसरी, इनका नाम बहुत जबरदस्त सामने आता है। यूसुफ एन नेसरी ने आई थिंक एक कोई बढ़िया सा गोल भी मारा था इनको क्वालिफाई करवाने के लिए। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द गोल स्कोरर्स इन दैट 5-2 विन। जी जी जी। हमने या आई जस्ट लुक्ड इट अप एंड उनका नाम भी काफी आ रहा है। दे हैव गॉट हकीम ज़िएच एंड हकीमी एज़ वेल। तो इनके पास दो हकीम है उनके टीम में जो पीएसजी और चेल्सी के लिए रिस्पेक्टिवली खेलते हैं, जिनके बहुत नाम है। और अब एक लड़का अगर पीएसजी के लिए खेल रहा है तो समझो मेसी एंड नेमार से शोल्डर टू शोल्डर खेल रहा है। सो दैट एक्सपीरियंस ब्रॉट इनटू दिस ड्रेसिंग रूम, एंड आई थिंक दिस टीम कुड बी द सरप्राइज एलिमेंट ऑफ दिस टूर्नामेंट, यू नो। यानी कि ये टीम तुम कह रहे हो कि मोरक्को कैन बी द पार्टी पूपर्स ऑफ ग्रुप एफ, दे कैन बी द पार्टी स्पॉइलर्स ऑफ ग्रुप एफ। प्रोबेबली दे कैन बी, दे माइट एज़ वेल बी। फैंटास्टिक। इनके पास अनास जराउसी भी है जो बर्नली के लिए खेलते हैं। लेकिन बढ़ते हैं हम आगे अगली टीम के बारे में बात करेंगे इस ग्रुप में, जो है क्रोएशिया। क्रोएशिया दे आर नोन एज द चेकर्ड वंस, क्वालिफाइड फॉर द 2022 वर्ल्ड कप फॉर द सिक्स्थ टाइम आफ्टर फिनिशिंग टॉप ऑफ ग्रुप एच इन द यूएफए क्वालिफायर्स। पिछले बार के रनर्स अप है, बहुत सारी उम्मीदें होंगी इनसे। एब्सोल्युटली, और इसमें कह रहे लुका मॉड्रिच का लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है, वो लास्ट टाइम बैलेंडोर जीते थे जब वो वर्ल्ड कप खेले थे, गोल्डन बॉल, उनको गोल्डन बॉल मिला था उन्हें, आई थिंक बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी उन्हें मिला था 2018 में। आप देख सकते हो ज्लैटको डालिच, मैं आपको कह रहा था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है फ्रॉम द लास्ट वर्ल्ड कप, ही वाज गोना गेट टर्मिनेटेड, नहीं बट वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो उनको रीइंस्टेट किया क्योंकि इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी, एंड दे टू लास्ट टाइम आई थिंक ओवरशॉट देयर ओन एक्सपेक्टेशंस। सो इन अ वे दिस टाइम दे हैव दिस प्रेशर ऑफ क्वालिफाइंग फ्रॉम दिस ग्रुप, बट लुकिंग एट देयर स्क्वाड दे हैव अ वेरी गुड डेप्थ इन द स्क्वाड। आपने मेरे से बात की थी बिफोर द गेम अबाउट the experience that they have in Andrej Kramaric, in Ivan Perisic. Ivan Perisic is one of the top scorers for Croatia at World Cups. So, ek wo bhi dekhne ki baat hogi ki kaise this team sets up and will they go with an attacking mindset or I don't know how will they come out. बिल्कुल, इनके पास डिफेंस में वीडा भी है और साथ ही में अगर देखें तो जोसेफ स्टैनिसिच भी है, लेकिन ऑफ कोर्स मिडफील्ड में कप्तान लुका मॉड्रिक भी है। और इनके फॉरवर्ड्स की खास बात यह है, पेटकोविच हो या फिर आपने इवान पेरिसिच की जो बात की, इनके फॉरवर्ड लाइनअप की एवरेज एज लगभग 30 साल है। बाकी की टीमें तो युवा जोश इनके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग कुछ अलग अंदाज में आए हैं। एब्सोल्युटली, हमने अंकल्स की जो बात की या डैडीज की जो बात की, हमारे सीनियर प्लेयर्स की, हमने चेन्नई सुपर किंग्स में भी देखा है ये, और यूरोज में हमने इटली को भी देखा है कि सीनियर जो होते हैं वो टूर्नामेंट जीत के जाते हैं, तो
आई थिंक दे विल प्रूव एवरीवन रॉन्ग। मजेदार बात यह है कि फिक्चर्स की अगर बात करें ग्रुप एफ में यश, तो क्रोएशिया और बेल्जियम के लिए मोरक्को और कनाडा से भिड़ंत है स्टार्टिंग में, लेकिन 1 दिसंबर को क्रोएशिया और बेल्जियम की भिड़ंत होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी अ सुपर एक्सप्लोसिव मैच। एब्सोल्युटली, बट आई थिंक तब तक ये ग्रुप की रिजल्ट अगर आ जाएगी तो वो मैच में सिर्फ एक कौन फर्स्ट फिनिश करेगा और कौन सेकंड, उसी के लिए वो मैच रहेगी मैच। बट आई रियली थिंक दैट दिस टाइम क्रोएशिया कैन टॉप द ग्रुप एंड बिकॉज़ ऑफ द एक्सपीरियंस दैट दे हैव, एंड आई थिंक that Belgium have not played enough football together in the last few months, and the fact that you know Hazard be injured rahe for a very long period of time, so wo bhi kaise perform karenge World Cup mein, that will be something to see. But I'm very excited for these fixtures and I'm really looking forward. Kya baat hai, bilkul bilkul, kya rahega aapka prediction as far as kaun si do team hai is group se aage jayengi? So a little controversial opinion, but I think Belgium will finish second. Pallav Dhawan ko curse kar rahe honge kyunki unhone kaha ye golden generation hai Belgium ki aur ye World Cup jeet sakti hai is time. पर मैं कहूंगा कि वो ये ग्रुप से सेकंड फिनिश कर सकती है, बिकॉज आई थिंक दैट दे आर द साउथ अफ्रीका ऑफ फुटबॉल, दे आर हाईली अंडर अचीवर्स, दे हैव नॉट परफॉर्म टू देयर फुल पोटेंशियल, एंड क्रोएशिया आई थिंक बिकॉज ऑफ द करंट फॉर्म एंड जस्ट द फैक्ट दैट द रीसेंट हिस्ट्री इज सो रिच, दे हैव अ चांस ऑफ टॉपिंग द ग्रुप एज वेल। क्या बात है, तो यश कह रहे हैं कि ग्रुप एफ में क्रोएशिया और बेल्जियम इस तरीके से आगे बढ़ेगी बात, मेरा कहना है कि बेल्जियम और क्रोएशिया इस तरीके से आगे बढ़ेगी बात, हम दोनों में से कौन सच निकलेगा इट डजंट मैटर, क्योंकि आपको क्या लगता है दैट रियली मैटर्स। बट यश, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द ग्रुप एफ प्रीव्यू ऑन डिजिटल टू स्पोर्ट्स, और दोस्तों आप बने रहिएगा क्योंकि इसी मंच पर आपको मिलेगा सारा का सारा लेखा जोखा इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। स्टे विथ डिजिटल टू स्पोर्ट्स। Thank you.